गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आज हम पढ़ेंगे लेसन 6, देश रत्न डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। देश के रत्न जो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद हैं, हम इनके बारे में आज पढ़ेंगे। देश रत्न डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद स्वतंत्र भारत से प्रथम राष्ट्रपति आसीत। देश रत्न डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद स्वतंत्र भारत के प्रथम राष्ट्रपति थे, यानी भारत के प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। तस्य कार्यकाल प्रायः 10 वर्षाण्य आसीत। उनका कार्यकाल प्रायः 10 वर्ष का था। तस्मिन् समय देशस्य उत्तमा प्रगति आसीत। उस समय देश की प्रगति बहुत ही उत्तम थी, बहुत हमारे देश में उन्नति कर रहा था जब उनका कार्यकाल था। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद से जन्म 1884 ईस्वी दिसंबर मासस्य तृतीय दिनांके बिहारस्य सारण मंडले जीरा देवी ग्रामो अभवत। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का जन्म 1884 ईस्वी के दिसंबर महीने की 3 तारीख को बिहार के सारण मंडल में जीरो देवी नामक गांव में हुआ था। शिक्षाया प्रारंभ कालतः एव एसो ऐसा अतीव मेधावी आसीत। प्रारंभ काल से यानी कि शुरू से ही यह बहुत ही तेज थे, बहुत ही शिक्षा के क्षेत्र में ये बहुत ही मेधावी थे, यानी बहुत तेज थे। 1900 ईस्वी एंट्रेंस परीक्षायाम ऐसा संपूर्ण कोलकाता विश्वविद्यालय प्रथम स्थान अलभत। 1900 ईस्वी में एंट्रेंस परीक्षा में यह संपूर्ण कोलकाता के विश्वविद्यालय में प्रथम स्थान प्राप्त किए। सह MA MLL परीक्षा अपी सर्वप्रथम स्थान प्राप्तवान। उन्होंने MA और ML की परीक्षा में भी सर्वप्रथम स्थान प्राप्त किए। सर्वे तस्य योग्यता विद्वत्तया च मुग्धा आसन। सभी लोग उनकी योग्यता और उनकी विद्वत्ता पर मुग्ध थे, सब बहुत प्रसन्न रहते थे कि उनके अंदर इतनी योग्यता थी और इतनी विद्वत्ता थी, वो पढ़ने में इतनी तेज थी। शिक्षा समाप्त सह आदौ कोलकाताया तथा पटना नगरे उच्च न्यायालय अधिवक्ता अभवत। शिक्षा समाप्त करने के बाद वह पहले कोलकाता गए और उसके बाद पटना नगर में उच्च न्यायालय में अधिवक्ता का अर्थ होता है वकील, वो उच्च न्यायालय में वकील बने पटना में। अधिवक्तृषु तस्य प्रतिष्ठा उत्तमा धनार्जनम अत्यधिकम च आस्ताम। अधिवक्ता जब वो थे, जब वो वकील का काम कर रहे थे, उस समय उनकी प्रतिष्ठा और उनकी कमाई, उनका धनार्जन दोनों बहुत ही अच्छा था, यानी कि उनकी जब प्रतिष्ठा भी थी और उनको अच्छा खासा पैसा भी प्राप्त होता था। परंतु महापुरुषाणाम जन्म आत्मसुखाय न भवति, किंतु महापुरुषों का जन्म अपने सुख के लिए नहीं होता है। महापुरुषाणास्तु सर्वेषां सुखाय हिताय च जीवन्ति। महापुरुष लोग तो दूसरों के सुख के लिए और हित के लिए ही जीते हैं। चौकार्थ होता है और 1917 ईस्वी बिहारस्य चंपारणे गांधी महोदय आंग्ल शासनम विरुद्ध आंदोलनम प्रारब्धवान। 1917 ईस्वी में बिहार राज्य के चंपारण में गांधी महोदय ने अंग्रेजों के शासन से के विरुद्ध अंग्रेजों से उन्होंने आंदोलन प्रारंभ किया। कब प्रारंभ किया? 1917 में गांधी जी ने अंग्रेजों के खिलाफ चंपारण में, बिहार में चंपारण में उन्होंने अपना आंदोलन प्रारंभ किया। तदा राजेंद्र महोदय तस्य शिष्य अभवत। उस समय राजेंद्र महोदय उनके शिष्य थे। किनके शिष्य थे? गांधी जी के। जब उन्होंने आंदोलन छोड़ा था उस समय यह भी गांधी जी के शिष्य थे। तेन अधिवक्तुम पदम धनार्जनम च प्रत्यक्ष देश सेवायाम व्रतम च स्वीकृतम। उन्होंने अपने अधिवक्ति से, यानी कि जो वकील थी, वकीली थी, उनको छोड़ करके और अपने पद को और धन का त्याग करके वो देश सेवा के व्रत का को स्वीकार की, यानी कि उन्होंने अपने वकील के पद को छोड़कर और देश सेवा के व्रत को धारण किया। 1934 ईस्वी यदा बिहारे भीषण भूकंपम आसीत तदा सह महती जन सेवायाम अकरोत। 1934 ईस्वी में जब बिहार में जब भीषण भूकंप आया था, किस सन में? 1934 ईस्वी में, तब उन्होंने महती माने बहुत अधिक, तो बहुत अधिक जन सेवा, इन्होंने लोगों की बहुत अधिक सेवा की
1934 ईस्वी में जब बिहार में बहुत अधिक भीषण भूकंप आया था तो इन्होंने लोगों की बहुत अधिक सेवा की थी। आगे भारतस्य स्वतंत्रता संग्रामे गांधी महोदयस्य अनुयायी राजेंद्र महोदय विशिष्ट आसीत। भारत के स्वतंत्रता संग्राम में गांधी महोदय के विशिष्ट अनुयायी कौन थे? राजेंद्र प्रसाद थे। जो राजेंद्र महोदय थे वो गांधी जी के विशिष्ट अनुयायी थे। सह निष्ठावान उत्साही परिश्रमी च स्वतंत्रता संग्रामी आसीत। वह निष्ठावान थे, परिश्रमी थे, उत्साही थे और स्वतंत्रता संग्रामी थे, यानी कि देश की रक्षा के लिए जो भाग लेता है उसको हम स्वतंत्रता संग्रामी कहते हैं। यानी कि भारत अंग्रेजों से युद्ध करने में जिन्होंने एकजुट होकर कार्य किया अंग्रेजों को भारत से निकालने में, वो सारे लोग को हम स्वतंत्रता संग्राम कहते हैं। जिनके द्वारा हमें स्वतंत्रता मिली वही हमारे स्वतंत्रता संग्राम है, वही सेना जिन्होंने अपनी प्राण की बाजी लगा के हमको आज़ाद कराया। 1921 ईस्वी असहयोग आंदोलन, 1942 ईस्वी भारत मुच आंदोलन, अन्यु स्वतंत्रता आंदोलन च सह बहुवारम कारावासम अपि असहत। 1921 ईस्वी में असहयोग आंदोलन और 1942 ईस्वी में भारत छोड़ो, मुच का अर्थ होता है छोड़ो, भारत छोड़ो आंदोलन और अन्य अनेक आंदोलन स्वतंत्रता के लिए उन्होंने कई बार कारावास का अर्थ होता है जेल, जेल में भी जेल का भी कष्ट सहा। उन्होंने 1921 ईस्वी में असहयोग आंदोलन और 1942 ईस्वी में भारत छोड़ो आंदोलन में इन्होंने कई बार जेल भी सहा। और 1947 ईस्वी में जब ये भारत के जब भारत स्वतंत्र हुआ तो पहली बार राजेंद्र प्रसाद क्या बने? वो प्रथम खाद्य मंत्री बने। ये आपका प्रथम खाद्य मंत्री ये बने, कब बने? 1947 ईस्वी में ये प्रथम खाद्य मंत्री बने और 1921 ईस्वी में असहयोग आंदोलन और 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन, ये आप लोगों को याद करने की चीज़ है। और सह ततः सह देशस्य प्रथम राष्ट्रपति पदम च अलंकृतवान, और उसके बाद यह देश के प्रथम राष्ट्रपति पद पर अलंकृत हुए। 28 फरवरी 1963 दिनांकित देहावसान, और 28 फरवरी 1963 ईस्वी को इनका देहावसान यानी कि इनकी मृत्यु हो गई। ओके, नेक्स्ट हम अगले वीडियो पढ़ेंगे। देशस्य सर्वोच्च पदे स्थित्वा तस्य मनसि अहंकारं न आसीत। देश के सर्वोच्च पद पर स्थित होकर भी उनके मन में अहंकार नहीं था। सह देशस्य अनेका भाषा जानाति स्म, वह देश के वह अनेक देशों के अनेक भाषाओं को जानते थे। जने सह सह तत्क्षेत्रीय भाषया सहजतया भाषते स्म, वह लोगों के साथ उनकी क्षेत्रीय भाषा में सहजता से बात करते थे। जहाँ की जो क्षेत्रीय भाषा है, जैसे हमारे यहाँ की भोजपुरी है, वैसे है हर क्षेत्र की अलग अपनी भाषा होती है, तो वो वहाँ के लोगों से उनकी क्षेत्रीय भाषा में सहजता से वो बात करते थे, ताकि बात लोगों की बात वो भी समझते थे और उनकी बात लोग समझते थे। तस्य विनम्रता या आत्मीयता च सर्वे प्रभाविता भवन्ति च, उनकी विनम्रता और आत्मीयता से सभी लोग प्रभावित होते थे। नमन्ति फलिनो वृक्षा नमन्ति गुणिनो जना इत्युक्ति तस्मिन् सिद्धा भवेत्। यह उक्ति जो है कि वृक्ष से लदे हुए पेड़ झुक जाते हैं और ज्ञान से लदे हुए व्यक्ति नम्र होते हैं, तो यह उक्ति जो है वो उनके ऊपर सिद्ध होती है। उनके अंदर इतनी क्वालिटी थी, इतनी क्षमता थी, लेकिन फिर भी उनको थोड़ा भी
घमंड नहीं था। राजेंद्र प्रसाद स्वभावेन सरला मधुरभाषी च आसी। राजेंद्र प्रसाद स्वभाव से सरल मधुरभाषी थे, सरल भी थे और मधुरभाषी यानी मीठी वाणी भी बोलते थे। सह संस्कृत सह भारतीय संस्कृत प्रशंसक संवर्धक आसीत। वह भारतीय संस्कृति के प्रशंसक और संवर्धक थे। तस्य जीवनम उच्च सरलम जीवनम उच्च विचार इत्येतस्य सह प्रत्यक्षम उदाहरण आसीत। सादा जीवन और उच्च विचार यही उनके जीवन का प्रत्यक्ष उदाहरण है। तेन आजीवनम भारतीय वस्त्रम धारितम और वह जीवन भर अपने जीवन भर उन्होंने भारतीय वस्त्र यानी कि भारत में बने हुए वस्त्र को धारण किया। सत्यम सरलता चौथस्य जीवन मंत्रो अस्ताम सत्य और सरलता ही उनके जीवन का दो मूल मंत्र था। एतस्य महापुरुषस्य महती देश सेवा उत्तम च चरित्र सर्वस्मै भी अनुकरणीयमेव अस्ति। उनकी इस महापुरुष की महती यानी कि बहुत अधिक देश सेवा और उत्तम चरित्र को सभी लोग याद करते हैं। उनकी उदारता को सभी लोग याद करते हैं। थैंक यू।